सिखाया था कि मान लो भाई जर्मिनेशन कर रही है तो बहुत उसका से YouTube चैनलों पे दिखाए जा रहे हैं कि हाँ हमारा गन्ना बिल्कुल ये बेकार है। देखो वैरायटी कोई बेकार नहीं होती, उसको जांच परख के रिलीज करते हैं रिलीज वैज्ञानिक भी। करते हैं, उस पे 10-10 15-15 साल ट्रायल चलते हैं। अच्छा जी। और डॉक्टर का एक दस एक वैरायटी पे बहुत बड़ा जीवन लगता है, वो बहुत मेहनत करता है। बिल्कुल। और हमारे लोग उसमें अनाधिकृत रूप से ओवरडोज देंगे, जब ओवरडोज देंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो साइड इफेक्ट आएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजा आप सभी का स्वागत करता हूं किसान परिवार में। और आज हम पहुंचे हैं भोड़पुर नूर मोहम्मद जी के पास। इनके पास लगभग गन्ने की 4 से 5 वेरायटियां हमेशा मिलती हैं, और आज देखते हैं इनके पास कौन कौन सी गन्ने की नई वेरायटियां हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि कौन सी वेरायटी कैसी चल रही है, क्या उसका रेस्पॉन्स आ रहा है। तो आइए उनसे जानते हैं और उनका परिचय पूछते हैं। तो नमस्कार जी, नमस्कार जी। तो अपना एक बार हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय करा दीजिए, अपना गांव वाम का नाम बता दो। मैं नूर मोहम्मद मोहम्मद मुस्तफ़ा, अच्छा जी, ग्राम बहड़पुर, तहसील मवाना, जनपद मेरठ। तो जैसे कि अब की बार आपने जो गन्ने की कितनी नई वैरायटियां लगा रखी हैं, लगभग इस बार हमने लगभग 6 नई गन्ना वैरायटी लगा रखी है। 6 गन्ना नई वैरायटी लगाई हाँ हैं, जी। तो कौन कौन सी आप हमारे किसान भाइयों को पहले दिखाने की शुरुआत करेंगे? ऐसा है, इसमें हमने सबसे पहले कोलक 14201 अच्छा जो जी, लखनऊ ICR से रिलीज हुई है, हाँ गन्ना शोध संस्थान लखनऊ से, वो जी, लगाई है। जो अच्छा, हमारे पास पिछले साल भी था उसी को हमने मल्टीप्लाई करा है। अच्छा, हाँ जी, तो एक बार हमारे किसान भाइयों को दिखाइए बिल्कुल उसे देख भी। सकते हैं। ये इतनी अच्छी वैरायटी है, आप देख सकते हो 14201, मोटाई भी सही ले रहा है। ये इस साल मोटाई बढ़ाई है इसने, पिछले साल थोड़ा टिशू का असर था, अच्छा लेकिन जी, देखो इसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी इसकी है, ये गिरता नहीं है। अच्छा इसकी ये गिरता नहीं, नीचे की जो नोड है ये छोटी होती है, अच्छा जी, जो पोरिया होती है, और ऊपर को फिर बढ़ती चली जाती है, ऊपर को बढ़ती चली जाती है जैसे ये बढ़ गई। और इस गन्ने की एक क्वालिटी और है, बहुत से किसान जो इस साल जिन्होंने नया लगाया वो घबरा गए होंगे कि ये गन्ना जुलाई से पहले बढ़ता नहीं है। अच्छा जी, बिल्कुल ऐसा रहता है कि कुछ नहीं है, लेकिन जैसे जुलाई लगती है और बारिश शुरू होती है ये एकदम चलता है। अच्छा, देखो ये बिल्कुल अब इस टाइम पे इतना बढ़ रहा है, लगभग 5 5 फुट का गन्ना लगभग इसने बना रखा है। अच्छा, आप पाँच देख सकते हैं बिल्कुल 5 फुट के आसपास इसने गन्ना बना दिया। और ये 16 मार्च की प्लांटिंग है। अच्छा, 16 मार्च को आप, सोलह मार्च की प्लांटिंग है। अच्छा, और नंबर ऑफ टिलर्स भी देख सकते हो सिंगल बड से, 1 3 3 6 2 8, 8 टिलर 7 से 8 टिलर इन्होंने इस वैरायटी ने बनाए हैं। मतलब लेकिन एक चीज है, 238 को ये बीट नहीं कर सकती। कारण है, ये बढ़वार भी कम रह जाती है, 8-9 फुट ही होता है, और 238 के मुकाबले मोटाई भी नहीं होगी इसकी। मतलब इतना वजन नहीं निकाल पाएगी जितना 238 ने निकाल कर अड़तीस ने दिखाया निकाला हमारे वो किसान तो भाइयों को। सुपर वैरायटी थी 238। जी, लेकिन जो लोग रस में काम कर रहे हैं उनके लिए वंडरफुल वैरायटी है। उसका रीजन ये है, इस वैरायटी में लगभग 60 से 65 किलो रस की मात्रा है। अच्छा, रस किसी भी वैरायटी में इतना रस नहीं है। अच्छा, किसी वैरायटी में इतना रस नहीं है नहीं जितना ऐसा इसमें है। इसमें क्योंकि और बीमारियों की बात करें अगर हम, बीमारी इसमें कोई भी बीमारी हल्का माड़ा, देखो जैसे क्लाइमेट में आता है एरिया वाइज आ रही है। अच्छा, क्रॉप बोरर हल्का सा इस साल देखने को मिला, पिछले साल वो भी नहीं था। पिछले साल नहीं था, लेकिन ये है कि जब 38 चारों तरफ 38 है हाँ, और जब ज्यादा, बराबर में इसके पेड़ी बिल्कुल है इसलिए ये देखो हाँ सामने बिल्कुल देख एक सकते खुर हो, छोड़ कर ही इसका पेट भी लिया। इसका प्रकोप हो सकता है। हाँ, इस जबकि इस प्लॉट में हमारे बिल्कुल भी नहीं आया टॉप बोरर। अच्छा, इस प्लॉट में कुछ नहीं है। हाँ, दूसरे प्लॉट है जो ट्रंच का लगा रखा, उसमें टॉप बोरर रहा था। तो बिल्कुल किसान ने तो सच्चाई इसमें बिल्कुल बात बताई है भाई, दूसरा खेत ऐसा भी सकता ना ही भी दिखाएं, और देख सकते तो हैं अभी लेकिन उन्होंने आप। पूरी सच्चाई बताई। जी हाँ, लेकिन अच्छी वैरायटी है, ऐसी बात नहीं है, और टिकने वाली, लंबे समय टिकने वाली वैरायटी है। मैं एक बार नजदीक से किसान भाइयों को दिखाने की कोशिश करूंगा कि नीचे के जो बर्ड हैं जैसा कि इन्होंने बताया छोटी होती हैं, और ऊपर जो बढ़ती जो चली गई हैं बढ़ती आप देख चली सकते गई, हैं। ये देखो ये बढ़ती जा रही है, और देखो गन्ने की भी मोटाई बहुत अच्छी मोटाई लेके चल मतलब रहा पिछली है। बार जैसे आपने लगाया लगभग, तो उससे अब के जो इसकी मोटाई बढ़ी है, बड़ी है, मतलब जमीन को पकड़ना इनने शुरू पकड़ना शुरू करा। और जी ये 28 इंची पर गन्ना लगा हुआ है।
फ्रंट पे नहीं है? हाँ, ये 28 इंची पे लगा हुआ है, अलग ही देख सकते हैं किसान भाई कौन ये, और ये 28 इंची पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, और लंबाई भी ठीक ठाक ले रहा है, बिल्कुल साफ हो रही है। इस साल वैसे भी बारिश कम है, फिर भी उस हिसाब से बारिश हुई, उस हिसाब से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इसके साथ आप हमें और कौन सी वैरायटी दिखाने चाहोगे? 235 से शाहजहानपुर की। अच्छा जी, 235। इसको भी हम आपकी दिखाएंगे, देखिए। बिल्कुल ये इधर जो आपने 38 लगा रखा, और इसमें किसान भाइयों एक ही खेत में है ये, इसी में ही, और आप जो है लगभग देख सकते हैं कि कितना इसमें टॉप बोरर ये रहा जी निकल के जाते वक्त ही दिख रहा बिल्कुल, ये आप किसान भाइयों देख सकते हैं। हाँ, पोका बोइंग का टॉप बोरर बहुत ज्यादा इसमें 38 में है, इन्होंने जो एक जैया बोल देते हैं हमारे यहाँ, मेड़ा है देख सकते हैं, पोका बोइंग का अभी भी इसमें असर है, अभी भी असर है इसमें, अभी भी असर है, गया नहीं है पूरी तरीके से। जबकि आपने बताया इसमें 5-मिनट मिथाइल की स्प्रे करी हुई है, और साथ में नीला थोता 400 ग्राम, हाँ, और नमक 400 ग्राम रोड़ी वाला नमक, उसकी हाँ। भी दो स्प्रे हुई है, तब जाके कंट्रोल हुआ है। ठीक, अब मतलब ये और समय भी चला गया इसका, और समय भी चला गया, समय भी चला गया जब जाके कंट्रोल हुआ, ये भी सही बात है। हाँ। तो आप इधर जो 13-235 हमारी, ये 13-235 है इसी में। अच्छा जी, इसी में हमने थोड़े सेक्शन वाइज बना रखे, आप देख सकते है 13-235 है, और ये भी 16 मार्च की प्लांटेशन है, और ये भी हमारा अपना सीड था। हाँ जी, सब तुम्हारा अपना ही सीड था पिछली बार का भी। तो एक बार हमारे किसान भाइयों की इसकी गन्ने की मोटाई और इसके भी बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जो इसमें टिशू का थोड़ा असर, इस साल टिशू का असर नहीं है, तो इस साल इसमें देखिए गन्ने की मोटाई भी काफी है, आप देख सकते हो इस साल इसमें थोड़ा सुधार करा है, अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ये है जैसे इसकी मोटी आई बड है तो थोड़ा सा जर्मिनेशन का डर तो रहता है, लेकिन मतलब अगर इसमें जो स्टैंडर्ड डोज के अनुसार आप डोज गेरोगे तो ये वो जो इसमें कमी है वो भी नहीं होगी। देख लीजिए इसमें कोई भी आँख हमारे में, जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि हमारी जर्मिनेट कर रही है, अभी तक हमारी कोई भी आँख जर्मिनेट नहीं करी, और गन्ने की मोटाई भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल काफ़ी मोटाई गन्ने की चल रही है, आप देख सकते हो इसमें कोई भी आँख जर्मिनेट नहीं, आँख उभरी भी बेशक है लेकिन आँख ने जर्मिनेशन नहीं करा, जर्मिनेशन शुरू नहीं करा, नहीं करा। तो जैसे कुछ हमारे किसान भाइयों के पास भी शिकायत है कि मान लो भाई जर्मिनेशन कर रही है, तो उसका यूट्यूब चैनलों पे दिखाए जा रहे हैं कि हमारा गन्ना बिल्कुल ये बेकार है, देखो वैरायटी कोई बेकार नहीं होती, उसको जांच परख के रिलीज करते हैं वैज्ञानिक, करते हैं उस पे 10-10, 15-15 साल ट्रायल चलते हैं। अच्छा जी, और डॉक्टर का एक वैरायटी पे बहुत बड़ा जीवन लगता है, वो बहुत मेहनत करता है, बिल्कुल, और हमारे लोग उसमें अनाधिकृत रूप से ओवरडोज देंगे, जब ओवरडोज देंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो साइड इफेक्ट आएगा। मतलब ये कहने की बात है कि जैसे कुछ किसान भाइयों ने लाकर लगाई, उन्होंने सोचा कि भाई तुम महंगी लेकर आयो तो बीज बेचना है, तो इसे इसमें तुम ज्यादा लागत लगाओ, लागत लगाओ, आप देख सकते हो हमारे इसमें बिल्कुल, और मैं इसमें डोज भी बता सकता हूँ, इसमें ये हमारा लगभग 1 एकड़ है। अच्छा, और इसमें 2.5 कट्टे तो यूरिया लगा हुआ है 1 एकड़ में। अच्छा, और 1.5 कट्टा पॉलीहैलाइड का बैग लगा हुआ है, जो एक तरह से नेचुरल पोटास सल्फर और मैग्नीशियम होता है। अच्छा जी, उसका 1.5-2 कट्टा वो लगा हुआ है, और साथ में इसमें रिजेंट अल्ट्रा बुआई के समय लगा था, और DAP और पोटास 5 किलो बीघा की। अच्छी है, आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस, देख सकते हैं बिल्कुल परफॉर्मेंस, मतलब अपनी तरीके से बढ़िया चल रहा है। हाँ, जितना इसके डोज लगाई गई है, एक खासियत हो रहा है 13-235 में रोग नहीं है कोई भी, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, इसमें ना कोई टॉप बोरर आता है ना कोई पोगा बोइंग की बीमारी। अच्छा, कहीं आपने ब्लैक स्मट की समस्या, लेकिन हमारे पास वो भी नहीं आई। अच्छा, वो जो लोग बताते हैं हमारे पास नहीं, ना तो हमारा गन्ना फूट रहा है, देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है, 16 मार्च का गन्ना है बिल्कुल, और हमारे पास असोज का गन्ना भी, उसमें भी एक भी आँख हमारी नहीं फूट रही। तो मतलब जैसे कुछ किसानों के पास ये शिकायत आई कि आँख फूट रही है, तो वो मेन समस्या डोज की है, ओवरडोज की, ओवरडोज की। अगर आप इसमें जो मतलब एक बार बुआई के समय पर लगा दी और टेंशन फ्री रहे, अपना आप इसे चलने दे। और ये भी एक वैरायटी ऐसी है कि ये जुलाई से पहले नहीं चलती, जुलाई के बाद ये भी परफॉर्मेंस दिखाती है, आप देख सकते हो। हाँ। ये लगभग 7 फीट गन्ना इसे बना चुकी है, देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, मैं खुद 6.25 फुट का हूँ और ये देख सकते हैं आप बिल्कुल।
तो यानी कि जो है ओवरडोज के कारण कुछ किसान भाइयों के पास दिक्कत आई है, बाकी वैसे कोई समस्या नहीं है। नहीं है। अगर सही देख रेख से सही सही नॉर्मल करें तो आराम से अच्छे से तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं और होगी। ये हमने इसमें हर 10-12 फुट पे इस तरह खूड छोड़ रखे हैं काम अच्छे करने के लिए, देख अच्छे ये हर सकते मतलब इधर की तरफ कितने खूड हैं हैं। आपके ये लगा? 12 खूड है ऐसे, इधर ये 12 खूड है। अच्छा इधर ये 12 खूड अगर है ऐसे ही। आपको कुछ काम करना है, खाद डालना है, स्प्रे करना है, तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। अगर आप 28 इंची पे गन्ना बो रहे हो तो तो एक खुड़ छोड़ लो, ये एक खुड़ छोड़ लीजिए। बहुत ये बढ़िया। साइड का गन्ना इतना ही निकलता है फिर भी, क्योंकि ये साइड के गन्ने मोटे हो जाते हैं और खुड़ के मुकाबले। ना ये बात सही है, इतना ही निकलेगा आप बिल्कुल। देख सकते हो, आ जाओ पूरा अंदर को देख लो, बिल्कुल कोई अंधेरा हो जो आंख दिखाए कोई फुटती चमक रही हो तो भैया। नंबर ऑफ पिलर भी देख सकते हो, देखो सिंगल बड से 28 इंची पे सिंगल बड पे 5-7 कल्ले 8 कल्ले, ये नंबर ऑफ टिलर भी सही देती है। बिल्कुल सही बता। तो इसके बाद जो हम भी, अब कौन सा गन्ने की वैरायटी दिखाओगे आप इसके हमें? बाद हमारे पास 15023 है। तो किसान भाइयों अगली वीडियो 15023 की मिलेगी आपको, उसे भी जाकर देखना, और इस वीडियो को देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।